बस्तर में कई ऐसे पावन धाम हैं जिसमें एक है कोंडागांव। जिले के ग्राम बड़े डोंगर की पहाड़ियों में दंतेश्वरी माता मंदिर है, जहां का इतिहास बस्तर राजघराने से जुड़ा हुआ है। बड़े डोंगर की पहाड़ियों पर कई ऐसे चिन्ह हैं जो कई किंवदंतियों को बताती है। आज नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी पर बड़े डोंगर दंतेश्वरी माता में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर समिति व माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को एनसीसी कैंडिडेट्स ने सहयोग किया। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन कर खिचड़ी व खीर प्रसाद का वितरण किया गया। सुनोरा मराना है और हमारे दंतेश्वरी के पुजारी हूँ मैं। आज यहाँ से माने पूरा पर ऐसे राजा लोगों समय से यहाँ चल रहा है दीपक उपक जलाने के लिए। पहले से भी चलते रहा, अभी भी ज़्यादा माने ये समिति और गांव से सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले किसी आन मन ऐसी कम ऐसे से करते थे पहले, और यहाँ है ना परंपरा से जो है से अभी तो राजा ने पहले के राजा लोगों का भी यहाँ राजधानी चक्रकूट की राजधानी बड़े डोंगर के द्वारा है। हाँ, यहीं से चक्रकूट राजधानी कैसे कि पुरुषोत्तम गए हैं जगन्नाथपुरी, और वही जो पुरुषोत्तम देव ने वहाँ जगन्नाथपुरी से उसको भगवान ने उसको रथपति होने के लिए आदेश दिया है। तब वही चीज़ है ना, अब ये यहाँ जगदलपुर में चल रहा है यहीं से, तो उसी को बोलते हैं कि अभी भी होता है। इसको कोई दंतेश्वरी नहीं बोलते हैं, ये है ई माता के नाम से मावली परघा बोलते हैं। दशहरा में सब जुट डाट करके सब मांझी मुखिया पुजारी गाय का सब मिलके वहाँ परगाव होता है, तब उसके पास माने दशहरा आरंभ होता है। फिलहाल अभी ज्योति कलश का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। दादा ये बड़े डोंगर का मंदिर है, ये पहाड़ी है, इसको भैंसा द्वंद बोलते हैं महिषासुर के नाम से, क्या मामला है? भैंसा द्वंद का मतलब ये है, हमारे हल्बी भाषा में इसको पहले सियान लोग भैंसा द्वंद बोलते थे, आज भी भैंसा द्वंद बोलते हैं हल्बी भाषा में। इसको हिंदी में भैंसा द्वंद मतलब भैंसासुर और माँ दुर्गा दंतेश्वरी का युद्ध हुआ, इसलिए यहाँ भैंसा द्वंद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आज भी भैंसासुर और माँ दुर्गा की जब युद्ध हुआ, आज भी चट्टान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, और माँ की पग चिन्ह तो चट्टान में और उसका युद्ध स्थल चट्टान में प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए इसको भैंसा द्वंद के नाम से हल्बी भाषा में बोलते हैं। और कुछ